आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिला के दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को प्रांतिया थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को यह अपनी सहेली के साथ कपड़ा सिलाई सीखने ग्राम अमोदा जा रही थी कि गांव का ही हमीर सिंह इसका रास्ता रोक कर बुरी निया से हाथ बहा पकड़ रहा था, जिसे मना करने पर हमीर सिंह इसे गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया कि रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 423/21 धारा 341 354 294 506 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय महादेवा द्वारा आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर एवं SDOP जांजगीर श्री चंद्रशेखर वर्मा के मार्गदर्शन पर प्रकरण के आरोपी हमीर सिंह पिता स्वर्गीय फिरन सिंह उम्र 32 वर्ष साकिन भैंसदा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा को आज दिनांक 9 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ़ देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक माधव सिंह और अर्जुन यादव, शिव भोला कश्यप, भुवनेश्वर साहू, रामदेव साहू का योगदान सराहनीय रहा है। छत्तीसगढ़ जानकी नवागढ़ राछा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। दिनांक 31/10/21 को प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31/10/21 को ये अपनी सहेली के साथ ग्राम अमोदा कपड़ा सिलाई सीखने जाती है और उसी तरह रोज की तरह ये आज भी जा रही थी। रास्ते में गांव का ही हमीर सिंह इसका रास्ता रोक कर इसके हाथ बांह को पकड़ने लगा बुरी नीयत से और प्रार्थिया द्वारा मना करने पर इसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से भाग गया था, जिस पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 423/21 धारा 341 354 506 और 294 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी हमीर सिंह पिता फिरन सिंह उम्र 32 वर्ष ग्राम भैंसदा निवासी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।